हेलो एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मेरे पास आया है बजाज कंपनी का प्लैटिना BS6 बाइक। और एक बाइक नहीं, दो बाइक आया है। देखिए, दो जो बाइक है एक ही मॉडल है, BS6 है, और दोनों बाइक में एक ही सेम प्रॉब्लम हो रहा है, जो बैटरी का वाट लग रहा है। तो दोनों बाइक जब मेरे पास आया था, दोनों का मैंने सिस्टम देखा, नया नया बैटरी इंस्टॉल किया है, फिर भी बाइक में बैटरी चार्ज एकदम जरा से भी नहीं लग रहा है जो बैटरी चार्ज है। तो फिर मैंने नया बैटरी इसमें इंस्टॉल किया है एक, और अभी मैंने सिस्टम को चेकअप किया जो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं कुछ चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़। अगर ऐसा BS6 बाइक में हम लोगों का होता है तो क्यों क्या करना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग करें जिसमें कि हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में आप लोग जुड़ा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करके ये दिखा देता हूँ जो इग्निशन ऑन किया। और यहाँ देखिए, बाइक में जो हम लोग का पीछे का बैकलाइट बॉल है, ये ऑटोमेटिक लैम्प जल रहा है, यानी कि हेडलाइट हम लोग देंगे तभी जलेगा, लेकिन हेडलाइट वॉप ऑन करने से भी हम लोग ऑटोमेटिक वोल्टेज आता है। तो यहाँ वोल्टेज क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ एक ब्राउन कलर की वायर जो है उसमें हम लोग का इग्निशन ऑन करने में 12 वोल्ट की सप्लाई आएगा, और जो हम लोग ग्रीन कलर की वायर है ब्रेक दबाने से 12 वोल्ट आएगा, और ये ब्लैक में जो पीला है ये बॉडी अर्थिंग है। बट एक चीज़ कंपनी ने BS6 जो सिस्टम किया है प्लैटिना बाइक में, ब्राउन कलर की वायर में इग्निशन ऑन करने से वोल्टेज आ जाता है। तो ये वोल्टेज अगर यहाँ आ जाएगा तो हम लोग का लैम्प जलेगा, और लैम्प जलने से हम लोग का ऑटोमेटिक बैटरी का चार्ज जो है बैकअप जो है बैठ जाएगा। तो ये कंपनी को सोचना चाहिए था ये हम लोग कब उपयोग करें। तो गाइस, इसमें एक हेडलाइट स्विच दिया गया है, जब भी हम लोग हेडलाइट का जलाने का कोशिश करें पीछे का हम लोग का लाइट जलेगा, तभी हम लोग का बैटरी बैकअप जैसे कि हम लोग का ज़्यादा बैकअप दे पाएगा। और इसे हम बंद कर दें तो बैटरी हम लोग का जैसे कि LED लैम्प हम लोग का नहीं जलेगा। तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ इसका सिस्टम क्या है। देखिए, अभी ब्रेक दबा रहा हूँ। देखिए अभी ब्रेक दबा रहा हूँ, देखो डबल बंद ढूंढ रहा है, और अभी स्टार्ट करेंगे बाइक को। देखिए, स्टार्ट किया और हेडलाइट दिया, हेडलाइट से हम लोग को ऑफ ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन लाइट थोड़ा कम बेस हो रहा है। यानी कि मैं जो आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये जो बैकलाइट है, बैकलाइट की लैम्प हम लोग का तभी जलेगा जब हम लोग ब्रेक खींचे और हेडलाइट ऑन करें, तभी हम लोग का जलेगा। और एक चीज, अगर बाइक स्टार्ट होने के बाद लैम्प जलता तो सही था, AC वोल्टेज से बाइक चलता, लेकिन अभी जो चल रहा है DC वोल्टेज से चल रहा है, DC वोल्ट बैटरी का हानिकारक होता है। तो चलिए मैं क्या करेंगे इसके लिए अलग आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ, जो इस उपाय के लिए हम लोग क्या करें। तो गाइस, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, ये जो रेड कलर की वायर है, एक वायर हम लोग यहाँ लपेट करेंगे, ठीक है। बस अब यानी कि ये जो वायर है कहाँ लगाना है वही आप लोगों को बताता हूँ, जिसमें कि हम लोग का काम करेगा। यहाँ देखिए, हैंडल बार का जो स्विच है, ये वाला स्विच, इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा पीला में जो ब्लू है, ये वाले में हम लोगों को लगाना है, तभी हम लोग का हेडलाइट ऑफ करने से पीछे का बैकलाइट ऑफ हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यानी कि मैंने कनेक्शन कर दिया, अब आप लोगों को दिखाता हूँ जो एक्चुअली हम लोग का किस तरह से वर्क करता है। सिर्फ यहाँ मैंने लगाया है, देखिए देखिए हेडलाइट दे रहा हूँ, काम कर रहा है देखो, और ब्रेक मार रहा हूँ देखो। अब पूरा दिन जैसे कि बाइक बंद रहेगा, हेडलाइट बंद रहेगा, तो पीछे का लाइट भी नहीं जलेगा, इससे हम लोग का बैटरी बैकअप बेहतर से बेहतर देगा, ठीक है। तो सो गाइस, यानी कि इस बाइक को मैंने कर लिया है, और ये जो बाइक है मेरे पास, इस बाइक को भी फिलहाल करूँगा। तो ये वीडियो और आप लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है,
मैंने इसका वीडियो जो आप लोगों को दिखाया, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा और एक से काम बन जाएगा। अगर आप लोगों का भी बाइक में ऐसा होता है तो आप लोग ऐसा कीजिए, तब आप लोगों का बैटरी चार्ज का सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु यूट्यूब चैनल के साथ।